विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल की नगरी, जो कि देश नहीं विदेशों में भी प्रसिद्ध है। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक उज्जैन का महाकाल मंदिर। यहाँ पर शिवरात्रि के साथ में शिव नवरात्रि बनाने की मान्यता है। शिव नवरात्रि के 9 दिन भगवान महाकाल का विशेष पूजन अर्चन होता है और बाबा को दूल्हे स्वरूप रूप में सजाया जाता है व श्रृंगार किया जाता है। इसी क्रम में चौथे दिन भगवान महाकाल अपने भक्तों को छविनाथ स्वरूप रूप में दर्शन देते हैं। आइए पुजारी जी से जानते हैं कि श्रृंगार का महत्व। देखिए, भगवान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग है, साथ ही भगवान जो यहाँ विराजित है वो दक्षिण मुखी है। यहाँ जो भस्म आरती होती है उसमें भगवान को भस्म लेपन किया जाता है और सिंहस्थ पर्व होता है, और साथ ही इस स्थान पर शक्ति स्वरूप के रूप में यहाँ हरसिद्धि देवी का मंदिर भी। यहाँ माता का मंदिर होने से यहाँ नवरात्रि होती है, माता नवरात्रि जो होती है उसका पर्व होता है। उसी के साथ साथ यहाँ इस शिवरात्रि को भी 9 दिन का पर्व मनाते हैं और ये शिव नवरात्रि के रूप में सारे देश में मानी जाती है। केवल एक अवंतिका ही क्षेत्र ऐसा है जहाँ महाकालेश्वर मंदिर में शिव नवरात्रि के रूप में इस उत्सव को मनाते हैं। 9 दिन तक भगवान का उत्सव करके भगवान को दुल्हा के स्वरूप में सजाया जाता है और दुल्हा बनाने के स्वरूप में जिस तरीके से शादी विवाह में जिस तरीके से उत्सव मनाते हैं परिवार के लोग, ऐसे ही भगवान शिव का जहाँ शादी का उत्सव मनाते हैं 9 दिन तक। ये यहाँ की एक परंपरा है, एक इसका अवंतिका क्षेत्र का ये महत्व है। और महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग दक्षिण मुखी होने के कारण शिव नवरात्रि के रूप में उसको मनाने से यहाँ और भी ज़्यादा महत्व बढ़ जाता है। और इस 9 दिन के अंदर जो भी भक्त भगवान महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं, पूजन के लिए आते हैं, और यदि वो केवल 9 दिन में एक दिन दर्शन करके चले जाते हैं तो उनको शिव नवरात्रि शिव रात्रि का जो पर्व का महत्व है और जो पुण्य वो प्राप्त होता है, इसलिए ये शिवरात्रि को नवरात्रि पर्व के रूप में मनाते हैं। सप्तमी के बाद में अष्टमी जो होती है, उस अष्टमी के पर्व पर फिर छबीना दर्शन है भगवान का, और छबीना के रूप में भगवान का जो जो घटाटोप है उसके ऊपर भगवान की प्रतिमा शीश जो होता है वो लगाते हैं और उस पर पगड़ी धारण कराते हैं, और पगड़ी धारण का जो दर्शन है उसको छबीना दर्शन यानी भगवान शिव की छवि, उस छवि के रूप में उनका दर्शन भक्तों को प्राप्त होता है, इसलिए उसको छबीना दर्शन बोलते हैं। सप्तमी के दिन होता है